बुली कुत्ते की सारी लड़ाई ही डिपेंड जी एक बाइट फोर्स ते दूसरी पिछली लत्तां दी ताकत ते वे। जितना कुत्ता तुहाडा पिछली लत्तां दा मजबूत होएगा खरनले जाएगा उतनी अच्छी लड़ाई होएगी। दो तीन निशानियां दलेर कुत्तों की, एक रस्सी पकड़ के जो खेले, जब आप तपाने लगो, कई कुत्ते जुबान फेरते अपने होंठों पे, बहुत कम कुत्ते जो कुत्ता अपने होंठों पे जुबान फेरेगा वो भी दलेर होगा। 70% जो फाइटिंग डॉग्स हैं उनमें माँ का किरदार है, क्योंकि 70% बच्चा माँ पे जाता है। अगर माँ की ब्लड लाइन अच्छी है और माँ अच्छी है तो बच्चा लड़ेगा। बाप जितना मर्जी अच्छा हो, 30% में 3 मिनट ही लड़ेगा। तो बेहतर है कि अगर इनको क्रॉस करवाया जाए तो माँ अच्छी देखी जाए, ना कि बाप। क्या बात है सर, बड़ी। ये जानवरों में खसूसियत है, घोड़ों में और कुत्तों में, कि माँ की ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए। माँ की ब्लड लाइन अच्छी होगी तो सब बच्चे लड़ेंगे, बाप की ब्लड लाइन अच्छी होगी तो पूरे कुरे में से एक आधा बच्चा ही लड़ेगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल 80% माँ डिपेंड कर दी, 20% प्यो डिपेंड कर दा। कुत्ता हल्का भी होवे ते कुत्ती अच्छी होवे ते बच्चे लड़ जांदे, ते कुत्ती हल्की होवे ते उत्ते सोने दा भी कुत्ता मिला लो ते बच्चे नहीं लड़दे। मेजरमेंट नहीं मैं करता, हमारे लिहाज में तो बड़ा छोटा और दरमियाना ही है, ये दरमियाने जानवरों में शुमार है जी। नहीं, 31 इंच भी कद काफी बड़ा होता है। कुत्तों का जो लड़ाई वाला है ना, वो कद यही है। आइडियल कद जो है वो 30 से 32 जो है वो आइडियल है। बिल्कुल, क्योंकि जो उससे बड़ा होगा वो फिर खतरे में आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो अपने वालिद से ही शौक सीखे सारा, तो जो बड़ा है वो खतरा है जी। इतो असि 28 इंच कुत्तियां दे कोलो 32 इंच कुत्ते जलील होंदे वेखे ने। मेरे ख्याल दे मुताबिक ते ब्रीडिंग जिड्डा औखा काम जिहड़ा है ना जी, ओ लड़ाना भी कुत्ता नहीं है। लोग समझदे ने कि कुत्ता तैयारी लाना औखा है ते उहनू तैयार करना औखा है, लड़ाना औखा है। ओ एडा औखा नहीं जिहड़ी ब्रीडिंग विच कुत्ती ते कुत्ते दी चॉइस करनी औखी है, क्योंकि ओ 3 साल तुसीं रखदे हो, 3 सालां तों बाद तुहानू पता लगदा कि ओ मैं गलती कर गया, मैं बुरा कुत्ता मिला लिया या बुरी कुत्ती घर सवा लई।